पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार के बाद भारतीय फैंस ने एकदम से पैनिक बटन दबा दिया। कहने लगे कि भुवनेश्वर कुमार को टीम से बाहर करो। खराब फॉर्म से जूझ रहे हार्दिक पांड्या की भी जगह प्लेइंग 11 में नहीं बनती है। इस बात से इत्तेफाक कई दिग्गज क्रिकेटर्स भी रखते हैं और उन्होंने भी खुलकर राय दी। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का अगला मुकाबला है और कुछ बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि विराट कोहली अपने मुख्य गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को बाहर कर सकते हैं और उनकी जगह शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। कैसे काम आ सकते हैं शार्दुल? इसके पीछे की वजह यह है कि शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी का भी विकल्प लेकर आते हैं। कुछ बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, लेकिन शार्दुल का असली काम मिडल ओवर्स में होता है, साझेदारी तोड़ने में माहिर है। और बात जब डिफेंड करने की होगी तो शार्दुल के पास अच्छे कटर्स हैं और सीम गेंदबाजी करते हैं, जो किसी भी बल्लेबाज को परेशानी में डाल सकती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले से पहले विराट कोहली ने शार्दुल ठाकुर को लेकर भी बात की। कप्तान साहब ने कहा, शार्दुल ठाकुर ऐसे खिलाड़ी है जो हमारे प्लान का हिस्सा है। निरंतर बढ़िया प्रदर्शन कर प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। शार्दुल ठाकुर की मौजूदगी से टीम को फायदा होता है। बता दें कि साल 2021 में शार्दुल ठाकुर ने 5 T20 मुकाबले खेले हैं, 21 की एवरेज से 8 विकेट झटके और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 13 का रहा, जो काबिले तारीफ है। शार्दुल के साथ दिक्कत बस इकोनॉमी रेट की है, विकेट निकाल कर देते हैं लेकिन पिट जाते हैं। ओवरऑल T20 इंटरनेशनल में उनकी इकोनॉमी रेट 9 की है और साल 2021 में लगभग 10 की रही है। हालांकि IPL 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे ज्यादा 21 विकेट झटके, 25 का एवरेज और इकोनॉमी रेट 9 का। बहरहाल भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला वर्चुअल नॉकआउट की तरह देखा जा रहा है। जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी उसके लिए सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी। इसके बाद तो सिर्फ अफगानिस्तान, नामीबिया और स्कॉटलैंड को हराना होगा। भारत और न्यूजीलैंड ने 1-1 मुकाबले खेले हैं और पाकिस्तान से दोनों टीमों को हार मिली है। देखने वाली बात ये होगी कि कोहली और विलियमसन में कौन 2 पॉइंट्स जीतने में कामयाब रहता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए खबर लिखी है अविनाश ने, कैमरे के पीछे है दीपक, मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दी ललन टॉप के साथ। और जाते जाते एक काम की बात, ललन टॉप अड्डा प्रयागराज में लगा है तो आप वहां भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही ललन टॉप स्पोर्ट्स का अपना चैनल भी आ गया है। अगर आपने हमारे उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप हमें ट्विटर पर फॉलो और फेसबुक पर लाइक भी कर सकते हो। तमाम अपडेट्स तो हम आपको वहां पर दिलवाते रहेंगे। शुक्रिया।